प्रभु जीशुंक नाम रे समस्तंकु स्वागत जणाउछि। आसंतु आजिरा वाक्य मध्यकु जिबा। आजिरा वाक्य होउछि माथ्यू 26 पर्वर 41 पद। परीक्षा रे जेपरि न पड़ एथि पई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। माथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। वॉच एंड प्रे सो दैट यू माइट नॉट एंटर इनटू टेम्पटेशन। द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। मत्ती अध्याय 26 उसकी 41 में लिखी गई है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर ने वचन के जरिए हमसे कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने हमें जागने के लिए बोला, यानी कि हम किस टाइम जागेंगे, यानी कि रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें जाने की ज़रूरत है और निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते और परमेश्वर की आगे झुकते हैं, सचमुच परमेश्वर अपने विजन के जरिए, अपने दर्शन के जरिए हमसे बातें करते हैं। जब हम बिना प्रार्थना करके रात को सोएंगे तो शैतान क्या करेगा ना, अटैक करेगा, वो गलत चीज़ों को दिखाएगा ड्रीम में, गलत चीज़ को बो देगा हमारे लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। अगर पत्रस उस टाइम परमेश्वर की बातें को मान के प्रार्थना करता, शायद वो परीक्षा में ना पड़ता, शायद वो परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार ना करता। आज हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने की ज़रूरत है और प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर हमसे बातें कर सके। ध्यान रखें, हम एक विश्वासी हैं और हमारा सोना ऐसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमसे बातें कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके साथ इस वचन के जरिए बातें की हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।